हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। खुशियों की बगिया में देखिए फ्रेंड, किस कदर जो है मेरे लेमन ट्री पे लेमन फल रहे हैं। देखिए ये छोटा सा मेरा नींबू का पेड़, और ये पूरा जो है इस समय नींबुओं से भरा हुआ है। बहुत अच्छी इस पर फ्रूटिंग आ रही है, बम्पर फ्रूटिंग जो है इस पर आ रही है इस समय। तो फ्रेंड, क्या किया मैंने इतनी बम्पर फ्रूटिंग पाने के लिए? तो बन तरीके से जो है, आप भी अपने प्लांट पे, आप भी अपने गमले में जो है फ्रूट प्लांट लगाने के बाद इतनी बम्पर फ्रूटिंग पा सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियोस में फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए, एक ही कली पे, एक ही टहनी पे देखिए कितने गुच्छों में जो है नींबू लग रहे हैं, देखिए आप। तो बहुत अच्छा जो है इस प्लांट का मेरा इस समय का रिजल्ट है। बहुत पीछे की तरफ भी काफ़ी लग रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड, क्या किया मैंने इतनी बम्पर फ्रूटिंग पाने के लिए, इतनी बम्पर फ्रूटिंग पाने के लिए फ्रेंड, जब मैं ये प्लांट अपना नर्सरी से लेकर के आई थी तो ये बहुत छोटा सा था, और जैसे ही मैं इसको घर में लाई, दो चार दिन, आप हमेशा फ्रेंड जब भी कोई प्लांट आप नर्सरी से लेकर के आओ तो उसे तुरंत से रिपोर्ट कभी मत करिए, उसे थोड़ा सा दिन अपने जो है एक नए एनवायरमेंट में ढलने दीजिए उसी पॉट पर, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जो है दो चार दिन रखने के बाद उस प्लांट को रिपोर्ट करिएगा। मैं नर्सरी से जब इस छोटे प्लांट को लेके आई थी तो मैंने इसे अपने 12 इंची के गमले में जो है रिपोर्ट किया, और उस साल जो है मुझे इस छोटे से प्लांट पे जो है, ये लगभग मेरे पास 1.5 साल का प्लांट है, तो उस साल जो जब मैं लेकर के आई थी तो तुरंत ही जो मुझे इस प्लांट पर 4 से 5 नींबू जो है मुझे मिल गए थे, और बहुत अच्छा इसमें नींबू में बहुत मैं उस प्लांट को रखा और अच्छे से उसे खाद दी। लेकिन फ्रेंड हुआ क्या, उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई, बहुत अच्छी उस पर, मुझे उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि इतनी बम्पर फ्रूटिंग होगी, लेकिन फ्लावरिंग आई और एक भी फ्रूट नहीं बना उस प्लांट पर, एक भी फ्रूट उस प्लांट पर नहीं बना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्लांट को पूरी तरीके से पोषण नहीं मिला, और वो सारे के सारे फूल जो हैं वो झड़ गए, वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो फिर मैंने क्या किया, अब जो है मुझे ऐसे फ्रूट्स मिलने लगे, तो इस बार मैंने क्या किया फ्रेंड, इस बार जो है मैंने ये प्लांट को थोड़े, ये बड़े वाला पॉट है मेरा, ये देखिए आप, इसमें जो है मैंने इसको स्पेस दिया है। ये मेरा तारकोल वाला 50 kg का जो कंटेनर होता है वो है ये, इसको मैंने दो पार्ट्स में कट किया और एक पार्ट में मैंने ये लगा दिया। अब मैंने इसमें कौन कौन सी खाद दी फ्रेंड, तो मैंने इसमें कोई स्पेशल खाद इस प्लांट को नहीं दिया। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आपने देखा होगा मेरा ये जो कंटेनर है, इसे मैंने पूरा जो है नीचे से किचन वेस्ट से भर दिया था, और ऊपर मैंने इस पर थोड़ा सा मिट्टी डाली, और जो है मैंने इस पर पूरे जो है स्वीट कॉर्न लगाए थे, और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है मुझे इसमें स्वीट कॉर्न का मिला। उसके बाद जब मेरे स्वीट कॉर्न ख़त्म हुए तो मैंने इसको, इसकी मिट्टी को पलटा, और फिर से जो है इसमें नीचे किचन कंपोस्ट और ऊपर से वही मिट्टी जो है मैंने इसमें भर दी, और मैंने इसमें ये नींबू का प्लांट रिपोर्ट किया, और आज मुझे इसके इतने अच्छे जो है इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इतनी अच्छी इस पर बम्पर फ्रूटिंग हो रही है। तो और साथ ही मैंने थोड़ा सा जो है इसमें बर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाया है, और साथ ही जो है मैंने इसमें एक NKP का लिक्विड फॉर्म आता है फ्रेंड, एक पाउडर आता है, उसे अगर आप पानी में घोलते हो तो उसको भी थोड़ा सा मैंने उसका भी स्प्रे कर दिया था। सबसे मेन बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है फ्रेंड, जब भी आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग पे आता है तो थोड़ा सा जो है उसका वाटर का, 3 दिन में वाटर दे, उसकी सॉइल को जो है थोड़ा ड्राई रखें, जिससे जो है प्लांट स्ट्रेच में आएगा तो अपने फ्लावर्स को कभी नहीं गिरने देगा। और नंबर दो फ्रेंड, जो आप इस प्लांट जो पॉट की जो सॉइल बनाते हैं, पॉटिंग सॉइल जो है वो आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें इजीली कहीं पानी रुकना नहीं चाहिए, और जब आपका प्लांट फ्रूटिंग करने लगे, जब यानी कि वो फ्रूटिंग पे आने लगे, जब उसके छोटे छोटे फ्रूट्स बनने लगे, तो प्लांट की मिट्टी को जो है मॉइस रखें, अच्छे से उसमें थोड़ा सा वाटर दें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अच्छे से उसे मॉइस रखें, उसे ड्राई ना होने दें। इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इस पर फ्रूटिंग हो रही है। ये जो है मेरा 12 मासी नींबू है, इस पर हर समय जो है फ्लावरिंग होती रहती, नींबू आते रहते हैं, बड़े वाले हटते रहते हैं और छोटे वाले नए फ्रूट्स जो हैं वो आते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये मेरे नींबू इन पे मिलते रहते हैं मुझे साल भर,
इस प्लांट पे। बहुत अच्छा ये प्लांट है मेरा, बहुत अच्छा पौधा है। तो इस तरीके से जो है आप एक नंबर वन तो ये टिप्स है कि आप जो है अपने फ्रूट्स के प्लांट को थोड़ा जो है बड़ा कंटेनर में लगाएं, बड़े कंटेनर में लगाएं। और टाइम टू टाइम जो है मैंने इसमें जो है किचन वेस्ट, साथ ही जो है मैंने इसमें थोड़ा सा जो है काऊ डंग भी मैंने इसमें ऐड करती हूँ। टाइम टू टाइम मैं इसमें काऊ डंग भी डालती रहती हूँ। और मेनली जो है मेरा किचन कंपोस्ट ही चलता है, किचन वेस्ट से जो मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। मेरे अधिकतर सभी प्लांट्स में, फ्रूट प्लांट हो, वेजिटेबल्स प्लांट हो या मेरे फ्लावर्स हो, सब में अधिकतर वही चलता है। मेरे हमेशा एक बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो रखे रहते हैं और उसमें मेरा किचन वेस्ट डलता रहता है, उससे जो है मेरा कंपोस्ट बनता रहता है। और वो जो है मैं अपने प्लांट्स में रेगुलर जो है यूज करती रहती हूँ। साथ ही मैं बड़ी बात फ्रेंड, जब प्लांट फ्लावरिंग पे हो तो थोड़ा सा वाटरिंग कम कर दें, वेल ड्रेन जो है इसके सॉयल आप बनाएं, अच्छे से जो है इसमें पानी ड्रेन हो जाए और इसकी भुरभुरी मिट्टी, और थोड़ा सा थोड़ा जो है टाइम टू टाइम जब प्लांट फ्लावरिंग से फ्रूटिंग पे आए तो इसकी मिट्टी को जो है नम रखें ताकि अच्छे से जो है इसके फ्रूट्स जो है रसीले हो जाएं। और इस तरीके से जो है यही बहुत सारी यही दो चार टिप्स हैं जिनको आप ज़रूर और ज़रूर से अपने प्लांट पे फॉलो करें और अच्छी फ्रूटिंग पाएं अपने प्लांट्स पे और रेगुलर फ्रूटिंग पाएं। देखिए बहुत सारे जो है लगभग इस समय जो है 20 से 25 नींबू जो है आराम से मेरे प्लांट पे लग रहे हैं और बहुत अच्छा जो है मेरे नींबुओं का रिजल्ट है। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में नींबू कैसे कैसे जो है इनकी बढ़त के साथ। और जो है आगे भी मेरे पास बहुत सारे फ्रूट प्लांट है फ्रेंड, मैं उन सब के अपडेट्स आपको देती रहूँगी किस तरीके से आप गमलों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं अपने प्लांट पर। ये देखिए अभी भी जो है इन पर बहुत छोटे छोटे जो है नींबू लग ही रहे हैं, कुछ नीचे भी लगे ही हैं आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे इस प्लांट का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड तक ज़रूर और ज़रूर से शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।